भक्ति रसामृत सिंधु में भजन की दो पद्धति बताई गई। पहली पद्धति का नाम है सासंग भक्ति, दूसरी पद्धति का नाम है अनासंग भक्ति। सासंग भजन एवं अनासंग भजन। सासंग भजन किसे कहते हैं? सासंग भजन का अर्थ होता है अपने इस देह से आपको कोई ध्यान नहीं लगाना, ये देह स्थूल है, ये केवल सुन सकता है, गान कर सकता है, लेकिन ध्यान नहीं लगा सकता। ध्यान केवल मन लगा सकता है। तो मन को क्या करना है? मन से इस आत्मा को बाहर निकाल के एक नवीन देह का निर्माण करके उस नवीन देह को श्री कृष्ण राधा कृष्ण के समक्ष उपस्थित करना। ये जो आप मन से नया देह बनाएंगे और इस आत्मा को बाहर निकाल कर उस देह में डाल देंगे, इस नवीन देह को कहते हैं भाव देह। कहीं कहीं शास्त्रों में इसी को सिद्ध देह भी बताया गया है। गौड़ीय संप्रदाय वाले इसे सिद्ध देह कहते हैं। श्री महाराज जी ने इसे भाव देह कहा। तो इस भाव देह को श्री राधा कृष्ण के अथवा श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित कर देना है। इसके पश्चात अनेक प्रकार के भावों से आलोड़ित होकर उन भावनाओं को उनके समक्ष रखना है। जैसे आप श्री कृष्ण के चरणारविंद में फूल पुष्प अर्पित कर रहे हैं, आप उनके चरणों के निकट बैठे हैं और उन्होंने अपना कर कमल आपके शीश पे रखा है, या आप उनके वक्षस्थल से लग गए हैं, या आप उनके श्रीमुख का दर्शन करके अविरल अश्रु बहा रहे हैं। ये भाव जगत में भाव देह से श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित होकर आप जो नाम गुण लीला आदि का गान चिंतन करते हैं, ये है सासंग भजन, सासंग भक्ति। इसी को श्री महाराज जी ने कहा रूप ध्यान। और अनासंग भजन क्या है? अनासंग भजन का अर्थ है मन से विहीन होकर इष्ट की केवल शब्दों से दान करना, इष्ट का श्रवण कीर्तन करना, लेकिन मन विहीन, मन रहित। तो बिना मन के केवल शब्दों से यदि आप गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो अनासंग भक्ति, अनासंग भजन कहलाता है। और इस अनासंग भजन को भक्ति रसामृत सिंधु में त्याज्य कहा गया है। इसका कोई लाभ नहीं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णचंद्र कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अर्थात यदि तुम अनंत जन्म तक ये अनासंग भजन करते रहोगे तो हजारों कोटि जन्मों तक करते रहो, श्री कृष्ण पाद पद्मों में प्रीति बनेगी ही नहीं, प्रीति का उदय होगा ही नहीं।
आगे की बात कैसे बनेगी। तो जब कीर्तन करो तो मन की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना मन के केवल शब्दों का उच्चारण, श्री महाराज जी ने कहा, रूप ध्यान बिनु भजन कीर्तन जनु वर्षा धुनी दादुर। जैसे वर्षा ऋतु में ये मेंढक जो हैं वो टर्र टर्र करते हैं ना, तो ऐसे ही यदि तुम बिना मन के भगवान का नाम लेते हो तो वो मेंढक की टर्र टर्र है बस। कोई लाभ नहीं होगा, केवल फिजिकल वर्क कर रहे हो,